शॉप का क्या नाम है आपकी? दीप ऑटो हाउस। दीप ऑटो हाउस। प्रीत ऑटो हाउस लालबाग चौराहे पर। देख लेते हैं कब तक चलता है हेलमेट माउंट वाला। टाइट कर रहे हैं, शीशा भी बदलवा ले रहे हैं, लाइट पड़ती है दिखता भी नहीं है, इसको भी चेंज करा लेंगे। सलीम भाई हमारे सुस्त हो गए, जूस पी के सुस्त हो गए क्या? अंसार भाई क्या चलना है अभी? हेलमेट माउंट लग गया है मोबाइल के लिए और शीशा भी नया लगवा लिया, पूरी रात में नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी पुराने शीशे से। दोनों चीज़ें प्रीत ऑटो मोबाइल हाउस में। चले गलीम भाई यहाँ से? अब बिल्कुल अकबरी गेट। अकबरी गेट अकबरी गेट। एक चीज़ कराई नहीं, दूसरा खर्चा बढ़ गया है। क्यों भाई बहुत खर्चा बढ़ रहा है? और फॉर्म इतना पतला हो गया, हेलमेट पुराना हो गया कि पूरा हेलमेट ही सर की आँखों के आगे आ जा रहा है भाई। हमारे फॉर्म लगा रहे हैं, ये भी लालबाग चौराहे पे ही होता है। तो भैया जो भी लॉगिंग कर रहे हैं और हेलमेट में मोबाइल माउंट वाला लगवा रहे हैं, वो हेलमेट पुराना है तो उनको ये काम भी कराना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल का वज़न ज़्यादा है हेलमेट से। और सामने ही प्रीत ऑटो है जहाँ से माउंट वाला लगवाया है, शीशा बदलवाया है, उसी के सामने ही दुकान है। हेलमेट टाइट करा लिया है और हेलमेट कैसे पूरा टाइट हुआ उसकी अलग वीडियो है जो इसके बाद पड़ेगी, क्योंकि हेलमेट के अंदर का फॉर्म बिल्कुल दब गया था और हेलमेट मोबाइल का वेट इतना है कि हेलमेट झुका जा रहा था, आंखों पे आ जा रहा था। तो जो वीडियो अब ये बन रही है कि किसी ने मोबाइल पकड़ा नहीं है, ये जो हेलमेट में माउंट लगा है उसमें मोबाइल झुका हुआ है। तो चलते हैं यहाँ से अकबरी गेट की तरफ कुर्ता पजामा देखने और मोबाइल अब वहीं पर कंटिन्यू करेंगे आगे की वीडियो। वैसे चिकन पे आ गए हैं, कलीम भाई अंदर हैं। ईद का कुर्ता पजामा ले लेते हैं यहाँ से, बहुत बिजी है यहाँ से। अरे वो अंधा में नहीं है, नहीं है। चले पहले अंजार भाई से मिलते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर देखते हैं कुर्ता पजामा। चलिए आहा, ये एक भाई और यहाँ लेटे हुए हैं, ये सब पतंग बाज है। तो एक और फ्लोर पे ऊपर अंसार भाई हैं शायद, क्या छत पर टहल रहे हैं क्या? ओह गोडाउन है अंसार भाई का यहाँ पे। हम लोग आ गए अंसार भाई के गोडाउन पे, सीक्रेट रूम अकबरी गेट में। जो लोग सलाम अलैकुम अंसार भाई, सब खैरियत है? सब खैरियत है। कलीम ने हमको बताया कि अंसार भाई 200 रुपए में चिकन के कुर्ता पजामा लगा हुआ है। ये कौन सा 200 रुपए में? 210 रुपए का आइटम है ये तो सब पॉलिटिशियन लेंगे हम लोग, ये नहीं चाहिए। और दही सब खैरियत है? ये गोडाउन है, नीचे एसटी शॉप है जिसमें काफी लड़कियां हैं, शर्मा रहे थे इसलिए अंसार भाई ऊपर आ गए। अभी नीचे चल के देखते हैं कुर्ता पजामा ईद के लिए। देख सकते हैं इतने बड़े चिकन जो काम है, मतलब मुर्गी का नहीं चिकन कपड़े वाला ओनर है, देखिए पैकिंग खुद कर रहे हैं, मेहनती लोग हैं, करोड़पति हैं, ऐसा मचा रहे हैं क्या? अभी नीचे वाले शोरूम भी चलते हैं, भीड़ बहुत है, थोड़ी सी हल्की हो जाए फिर चलते हैं और देखते हैं कुछ अंसार भाई जो दिखाएंगे 300-400 रुपये में।
वहाँ पर्चे लगे हुए हैं एसी चिकन पे 200-300 रुपए में कुर्ते पैजामे कहाँ लग गए पर्चे भाई वहाँ चौक चौराहे पे यही बाहर पुलिस वालों के बूथ पे वही हम देख के तो आए पड़ते हुए हमें एसी का हमने चलो जल्दी चलो अंसार भाई वाटर अभी तो आशु भी आया ना हेलो पाकत नहीं दे रहे हैं हाँ शुभम हाँ भैया हेलो वो लगा हुआ कलीम अभी नीचे जाओगे ना ये देखो ऐसा मोड़ के गए हैं देखो टेढ़ा मेढ़ा मोड़ रहे भाई हमारे दिलीप भाई आए हैं गुजरात से गुस्सा कर रहे हैं गुजरात से जयपुर से आए क्या लेने आ रहे हो चलो इनको पकड़ लो चलो बाबा पास ले चले चलो बाबा पास ले चले हम लोग नीचे वाली शॉप पे चलते हैं अंसार भाई की जहाँ सलमान भाई बैठे होंगे यहाँ पे काफी भीड़ है अभी ईद का टाइम है आइए कलीम भाई नीचे चले लेटे रहो मान के चलो आराम से करीब एक घंटा आराम से भाई अभी इधर से निकलेंगे अभी जाना है भाई हम सोचो कुर्ता पजामा भी ले लिया तो जाएंगे उधर कितना चलो तुम रुके हो ना अभी चलो ठीक है क्या नाम है हम फोन कर लेंगे जैसे निकले हैं ठीक है चलो भाई ये ब्लॉग में दिखाइए कैसे सूट बनाते हैं इब्राज भाई हम भाई बनाते हैं और ये हमारे सलमान भाई बैठे हुए ये भी अंसार भाई का है जो कि लेडीज का है या जो लेडीज देख रही होंगी लड़कियां देख रही होंगी चैनल वो भी आ सकते हैं ये हमारे सलमान भाई बैठे हैं सिर्फ लड़कियों से डीलिंग करते हैं आजकल इनर जोर पी रहे हैं लड़कियां ज्यादा आ रही क्या कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये अश्लील है ये लोना फिर लेडीज डिपार्टमेंट है ऊपर वाला मिक्स कुछ नहीं टाइम काट रहे उधर भीड़ ज्यादा थी हमने आपसे चल के मिल ले ऊपर वाले में उस्ताद और ऊपर वाले पे और ऊपर वाले पे क्या कह रहे थे आप फिर तो बोला जरा क्या नहीं अच्छा पानी पी ले अभी कुछ और बताया था भैया यहाँ सूट की रेंज क्या है जो वीडियो देख रहे हैं लड़कियाँ वड़कियाँ देख रही हो वैसे लड़कियाँ नहीं देखती हूँ हमारे लड़के नहीं देख रहे हैं चैनल लड़कियाँ क्या देखेंगी हम लोग लड़के हम लोग ऐसे ही होता है 700 रुपये और किस कब किस रेंज तक है मतलब ऊपर हमारे आते देखिए लेडीज लेडीज लड़कियाँ लड़के कैसे पीछे पीछे आ रही है अभी तक दुकान में सन्नाटा था अब आना जाना लगा इस रास्ते पर भीड़ हो रही है जीने पर ट्रैफिक बढ़ रहा सिर्फ एक आदमी पूरी दुकान में आराम कर रहा है सिर्फ एनर्जॉल चल रहा है और कोई काम नहीं है इनके पास पतंग नहीं लड़ा रहे सलमान भाई आज पतंग रोज लड़े हजीर बढ़िया कभी एनर्जॉल की जरूरत पड़ रही है तीन पतंग से नौ काट दिए बहुत बढ़िया पतंग उड़ाते हैं भाई सलमान भाई बस रखो बीच में रखो तो कहते हैं गायब सेमीफाइनल हाँ आपने अगर काइट जोन वाला चैनल देखा होगा तो उसमें थर्ड पोजीशन पे थे हमारे सैफी में मतलब काइट टूर्नामेंट में एएससी काइट क्लब जिसमें हमारे सलमान भाई लड़ा रहे थे बस बहुत हो गया इनका चेहरा आप लोगों ने बहुत देख लिया बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ होगा बंद करो बहुत है। अब ऊपर जब चलेंगे ऊपर ही दुकान पे तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से निकलते हैं अंसार भाई की दूसरी शॉप जो ऊपर वाली है जहाँ भी गए थे चल गए अपने लिए कुर्ता पजामा ले ये देखिए सामने ऊपर है एक्सक्लूसिव जहाँ लिखा है वही है शॉप आओ चले ईद है बस 4-5 दिन बचे हैं ईद को इसलिए हर दुकान पे भीड़ है ये गली कौन सी कहलाती है कलीम भाई ये हिना मार्केट चौक टुंडे कबाबी बगल में सामने टुंडे कबाबी है चलो मार्शिंग वहाँ मिलेगा ये कलर मांग रहा भाई ये कलर मांग रहा और इस टाइम भीड़ इतनी ज्यादा है कोई मुंह नहीं लगा रहा वरना गोदी में सब लिए रहे थे चली अरे कोई मुंह नहीं लगा रहा यार हम लोग को यार तब मुंह लगाएंगे 2 बजे तक रुका रहना पड़ेगा 2 बजे तक नीचे लेडीज ओपन है तो
जेंट्स वाले में लेडीज की बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत नाक फंसी हुई है इनके। ये देखो निकल नहीं पा रही है, क्या कहना है करी? सारा मलबा अंसार भाई की दुकान पे निकल रहा, आज सब निकाल रहे हैं। Women. ये टेस्ट करने के लिए पहना है ये कलीम भाई, हमारे निकाल 40 नंबर कलीम भाई। ये देखिए एक और अंदर वाले निकाला, प्लेन है ये एरोप्लेन, और एक है एम्ब्रॉयडरी वाला, बहुत हैवी हो गई सिर्फ कॉलर कॉलर पे, ये तो पूरा एम्ब्रॉयडरी में है ना, फुल नहीं सिर्फ यहाँ पे जो सीने के पास रहती है, तो सीने पे बता रहे हैं सिर्फ इस पे, क्या कहते हैं इसको, बटन के पास। ये पहनो मजा आ गया, ये तो लड़की वाला लग रहा है, वो गोल गोल लड़की वाला निकाल के गोल गोल लड़कियों वाली फीलिंग आ रही इसको देख के, इसको ऐसा ना निकल के जाए आदमी कहे आपा कहाँ जा रही। तो ये ले लिया है भाई, 40 नंबर आया है, बढ़िया प्लेन है, थोड़ा सा लुक अच्छा है और सिंपल सोबर है। तो उसका पेमेंट करते हैं, और अंसार भाई अपने काम में बिजी हैं क्योंकि इनको बाहर बहुत सा स्टॉक भिजवाना होता है, तो डिब्बे पैकिंग में और कुर्ता रखने में लगे हुए हैं। लेकिन इनका नंबर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं ऊपर, तो आपको कुछ भी पूछना है चिकन से रिलेटेड, होल सेल के काम से रिलेटेड, तो भी आप अंसार भाई से बात कर सकते हैं। बहुत जाम लगा है भाई, कोई ना आए, भीड़ भीड़ हो रही है, जो आए मोटरसाइकिलें बाहर खड़ी करके आए, खाली चिल्ला रहे हैं, देखिए लड़ाई नहीं हो रही सिर्फ चिल्ला रहे हैं, खाली आपस में इसी पर चिल्ला रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। रात होती जा रही है, रौनक बढ़ती जा रही है, हिना बाजार टुंडे कबाबी के बगल में बहुत भीड़ है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई है, नीचे सलमान भाई डीलिंग कर रहे हैं लड़कियों से, साली साली लड़कियां डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी जाम है। ये अंसार भाई के यहाँ से ले लिया कुर्ता पजामा, निकल रहे हैं घर। ये रहे हमारे आदिल भाई, मुगल गाइड क्लब के मेंबर, बहुत बढ़िया इंसान है, इनकी भी कांच बटन की शॉप है यहाँ पे हिना मार्केट। और बताइए आदिल भाई सब खैरियत है? सब बढ़िया चल रहा है, रास्ता रास्ता तो खाली करवाइए, भैया इतनी पब्लिक आ रही है, इतने कस्टमर आ रहे हैं, तो कहाँ से रास्ता खाली, मतलब 3-4 दिन ऐसे रहेगा? बिल्कुल, जैसे मार्केट में बाकी तो ऐसे चिकन का काम ज्यादा है, लेकिन ये रमजान से ईद से पहले चांद रहा, लेकिन क्या पूरी रात खुली रहेगी? पूरी रात खुली रहेगी, और ये फजर के बाद भी खुली रहेगी दुकान, मतलब ये है कि ईद वाले दिन तक पूरी? हाँ पूरी ईद तक खुली रहेगी, सुबह 7-8 बजे दुकान बंद होती है, बाकी पूरी रात ऐसे ही रश रहता है जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं। चलिए बाइक उठा लेते हैं, काफी ज्यादा रश है, निकलते हैं भाई क्योंकि अब यहाँ से निकलने में 1 घंटा लग जाएगा। तो घर आ गए दोस्तों, बहुत थक गए, बहुत जाम था आपने देख ही लिया, लेकिन चांद रात अलविदा वाले दिन उम्मीद है कि एक ही दिन दोनों हो सकता है फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन भी रात निकले मत, दिखाएंगे पूरा आपको अकबरी गेट नखास चौक की क्या माहौल रहता है वहाँ पे, और रात भर दुकानें खुली रहेंगी, तो भी लोग यहाँ पहन करते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ी मम्मी की दाल खाते हैं और फिर सो जाएंगे। ओके बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज़।